हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में हम फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पिछला प्रोग्राम क्रिएट किया था या बनाया था, पहले हम उसी प्रोग्राम को एक बार और समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और बेसिकली जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, इसका हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमने तीन डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट, तीन डेटा टाइप लिए। देन हमने यहाँ पर एक इस स्ट्रक्चर का एक रेफरेंस लिया, और इस रेफरेंस के पास जितने भी इस स्ट्रक्चर में डेटा टाइप होंगे सबकी कॉपी इस स्ट्रक्चर के पास जनरेट होगी। सपोज़ यहाँ पर अगर हम मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट करने हो तो यहाँ पर हम मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज़ मैं A2, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, और हर रेफरेंस के पास इन वेरिएबल की कॉपी होगी। देन हमने क्या किया, हम मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसे वैल्यू असाइन की। तो यहाँ पर हमने आईडी को वैल्यू असाइन की, देन हमने यहाँ पर नेम को वैल्यू असाइन की, और सैलरी को वैल्यू असाइन की। देन फाइनली हमने क्या किया, तीनों वैल्यू नेम, आईडी नेम एंड सैलरी को प्रिंट करवा। तो इस तरह हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर का हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ हमें यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ void show। इस फंक्शन का मैंने रिटर्न टाइप लिया void, मींस यहाँ पर मैं कोई, देन हम क्या करेंगे, हम इस सारी चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज़ थे इन्हें हमने एक्सेस किया अपनी शो मेथड के अंदर, देन हमने शो मेथड को कॉल किया अपनी मेन मेथड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो एज इट इज सेम आ रहा है, मीन्स हमारा जो फंक्शन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।